मैं नून का थाना बोल रहा हूँ। मुझे शेख अवाटी का प्रयागराज भी कहा जाता है। आप मेरे बारे में सुनोगे तो आप अपने आप को मेरे तक आने के लिए रोक नहीं पाओगे। मैं राजस्थान राज्य का विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था। 17 मार्च 2023 को अशोक गहलोत सरकार द्वारा मुझे जिला घोषित किया गया। अगर आप मेरी लोकेशन की बात करो तो मैं जयपुर से 118 किलोमीटर दूरी पर स्थित हूँ और मैं सीकर जिले से लगभग 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित हूँ। अब मैं आपको मेरे इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। मध्य काल में मैं नीम का थाना निम्बारक संप्रदाय का प्रमुख पीठ हुआ करता था। पहले मैं जयपुर के सवाई रामगढ़ का भाग हुआ करता था। राजस्थान एकीकरण के समय 1939 को मुझे सीकर में शामिल कर दिया गया। मैं ब्रिटिश काल में नागा छावनी का प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था। अब मैं आपको मेरे पर्यटन स्थलों को और अवगत करवा देता हूँ। गणेश्वर सभ्यता। मेरे यहाँ कुछ ही दूरी पर स्थित गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। पहले यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। विश्व में सबसे पहले इसी सभ्यता से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ। गणेश्वर सभ्यता कांटली नदी के आसपास के क्षेत्र में 1978-79 में रतन अग्रवाल तथा विजय कुमार के नेतृत्व में खुदाई का कार्य शुरू हुआ। मैं एकमात्र ऐसी सभ्यता हूँ जिसमें घर बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था, पत्थरों तथा मिट्टी का प्रयोग हुआ था। मेरे अंदर प्राचीन समय के अलंकृत मर्द बांध प्राप्त हुए। मेरी सभ्यता में जितने उपकरण मिले वह सब ज्यादातर तांबे के बने हुए थे, इसलिए मुझे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यहाँ के लोग प्राचीन समय में गाय, बैल, कुत्ता, सूअर इत्यादि पालते थे। कांतली नदी मेरे अंदर बहने वाली एकमात्र कांतली नदी जो एक प्रकार की मौसमी नदी है, बरसात के समय में बाढ़ का रूप ले लेती थी। यह नदी लगभग 100 किलोमीटर लंबी है। मेरे अंदर सल्फर युक्त पानी का एक कुंड भी है जो सैलानियों को हर साल अपनी ओर आकर्षित करता है, जहां दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने के लिए हर साल यात्री आते रहते हैं। मेरे अंदर 453 साल पुराने श्री दयोजी का धाम मंदिर, जिसे शेखावाटी का प्रयागराज भी कहा जाता है, और टोडा में मनसा मंदिर के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, आपने मेरे बारे में इतना सब कुछ जाना। अगर आपको जरा भी इंटरेस्ट आया और आप इतिहास में इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा आप दबकर सपोर्ट करो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।